नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए आज हम सीखते हैं डबल हैंडल डोर लॉक कैसे लगाते हैं। तो ये लॉक का बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, देखिए इसमें पेच है, ये वारंटी कार्ड है और इसमें है हमारा लॉक। तो देखते हैं कि क्या क्या फिटिंग है इसके साथ। और ये है हमारा लॉक और ये पत्ती जो देख रहे हैं ये आगे हमें काम आएगा चौकट में लगाने के लिए। और क्या फिटिंग है इसके साथ, ये है लैच जिसे सिलेंडर भी बोलते हैं हम और लैच भी बोलते हैं। और देखिए इसके साथ तीन चाबी है, एक रॉड है और ये लैच है। तो इस लैच को हम इसके अंदर डाल के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद हम इसका आगे का काम करेंगे। देखिए ये अंदर साइड से बिना चाबी के ही खुल सकता है और लॉक हो सकता है। तो ये हमने देख लिया, अब इसको हम रखते हैं। ये देखिए हैंडल में लगने वाला रॉड है और बाकी इस हैंडल को देखते हैं ये कैसा है। हैंडल भी काफ़ी बढ़िया है, SS का हैंडल है और मजबूत भी है, काफ़ी मजबूत लॉक है ये। और शाइनिंग भी देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया शाइनिंग है इसका। ये देखिए दोनों रखने के बाद कुछ ये इस प्रकार से दिख रहा है। तो अब हम इसको रख देते हैं इसी बॉक्स में और बाकी हम अब सुराग करेंगे इसका दरवाजे में, जो हमारा फ्लश डोर है। तो देख रहे हैं आप, हम इसमें 38 इंची 4 सूत पे निशान लगा रहे हैं और एक निशान 44 इंची में 2 सूत कम लगा रहे हैं और इसी पे हम गुनिया मार देंगे। और इसमें अब हम अपना मशीन कसेंगे जिससे हमें सुराग करना है। आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल निशान पे मिला लेंगे बीट को और टाइट करके और ऊपर पूरा लास्ट तक करके हम ऊपर भी टाइट कर लेंगे। और इसमें अब हम ड्रिल कस रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और मशीन देखिए चालू हो गई हमारी और इसको पकड़ के ऊपर और नीचे इसको स्लाइड करते रहना है। थोड़ा थोड़ा हम इस पर दबाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको एक एक सूत करके। और देखते ही देखते हमारा सुराग हो चुका है। इसको हम 3.5 इंची गहराई करेंगे सुराग को। देखिए हमारा अब ये सुराग हो चुका है। अब ड्रिल को हम खोल लेते हैं और इस मशीन को भी हम जल्दी जल्दी खोल लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है, कम ही समय में आपको पूरा समझा देना है मुझे। देखिए सुराग कितना बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल इसमें आपको चौरसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो लैच देख रहे हैं ये हमारा उल्टा है, तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, ऑप्शन है इसमें। आप देख रहे हैं जैसे नीचे दबा करके आप इसको घुमा सकते हैं जिधर चाहिए आपको। अब हम लॉक को सुराग के अंदर डालेंगे और इसको डालने के बाद अब हम इसके चारों साइड से हम निशान ले लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही निशान लेना है आपको भी। निशान लेंगे हम इसलिए कि अभी हमें इसको गला करके इसके बराबर करना है, बिल्कुल बराबर इसी को गलाएंगे हम। देखिए ये 1.25 इंची के चौरसी से हम इसको गला रहे हैं और ये है हमारा 1.5 इंची की चौरसी। इन दोनों चौरसी के मदद से हम इसको गला लेंगे और बिल्कुल सफाई के साथ गलाएंगे, कहीं इसका धार कोर टूटे ना ये ध्यान रखेंगे हम। और इसको हम 4 mm गहराई इसको गलाएंगे ताकि हमारा जो लॉक का हमारा टॉप है वो 4 mm का है और 4 mm ही हमको इसमें गलाना है। आप देख रहे हैं अगर ज़्यादा गला देंगे तो भी हमारा सही नहीं लग पाएगा लॉक।
ज़्यादा अंदर हो जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। आप इसको 4 mm ही गलाएं। अब देखिए हमारा ये गल चुका है, अब हम इसमें लौ को डालते हैं और देखते हैं कि बराबर हुआ है कि नहीं। देखिए बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सफाई के साथ। अब हम इसमें निशान लगा लेंगे जहां हमें पेच लगाना है, और एक बार और निकालेंगे इसे और यहां रख करके हम इसे फिर से निशान लगाएंगे। जो कि ये सुराग आपको दिख रहा है, इसमें हमारा रॉड लगेगा और नीचे वाले इस सुराग में हमारा लैच लगेगा जो कि सिलेंडर है, आप देख रहे हैं। और सेम प्रक्रिया पीछे से भी हम अंदर के साइड से वैसे ही एक निशान ऊपर वाला उतार लेंगे और एक सिलेंडर वाला ये निशान हम उतार लेंगे इस पर। अब हम इसमें 18 नंबर त्रिशूल बीट से हम इसमें सुराग कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सुराग करेंगे हम। ये सिलेंडर के लिए हमें 2 सुराग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने 2 सुराग कर लिया है। और ऊपर रॉड के लिए हमें सिर्फ 1 सुराग चाहिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सुराग करना है हमें। और हम अब इसको लॉक को सुराग के अंदर डाल देंगे और इसमें पेच टाइट कर देंगे। 2 स्क्रू लगेगा इसमें, एक ऊपर एक नीचे, आप देख रहे हैं ये टाइट हो चुका है। अब हैंडल में हम पहले ही सिलेंडर को लगा करके और लॉक के अंदर इसको फिट कर देंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद इधर से एक हैंडल रॉड जो है उसे भी हम फंसा लेंगे और लॉक को सेंटर करके एक लॉक इसमें ऑन कर देंगे हम, ताकि ये आगे पीछे सरके ना। और इधर से दूसरे हैंडल को भी हम लगा लिए हैं। अब इसको देखिए उसी के सहारे टिक गया हमारा। अब इसमें हम पेच लगा देंगे हैंडल में, आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही आसान तरीका है ये। इसमें 4 पेच लगना है, 2 पेच ऊपर और 2 पेच नीचे, आप देख रहे हैं। जैसे ये देखिए हमारा अंदर के साइड का हो चुका है, हैंडल में पेच लग गया। अब बाहर के साइड से हमें हैंडल में पेच लगाना है, देखिए इसमें भी हम पेच लगा रहे हैं। बिल्कुल आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है लॉक लगाना। देखिए ये भी हमारा चारों हो चुका है, कितना बढ़िया दिख रहा है ये देख रहे हैं आप। अब हम इस बोल्ट को उस लैच के अंदर ये टाइट हो जाएगा, देखिए अब उससे हमारा ये लैच आगे पीछे नहीं होगा। अब देखिए इसको चाबी से हम लॉक करके देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया चाबी से भी ऑन ऑफ हो रहा है ये। अब हम इसमें चौकट में निशान लगाने के लिए इस पे हम थोड़ा सा फेविकोल का यूज करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं इसी पे हम थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा लेंगे, ऊपर वाले में भी लगाएंगे हम। और फेविकोल लगाने के बाद हम चाबी को निकाल लेंगे बाहर, बिल्कुल इसी प्रकार से। और हैंडल को दबा करके आप अंदर के साइड से इसको उस पे 1-2 बार प्रेस करेंगे, बस उस पे निशान आ जाएगा। देखिए आप ये निशान बिल्कुल इसमें आपको दिख रहा है। अब हमने जो पत्ती देखा था पहले, उस पत्ती का यूज अब करेंगे, देखिए आप। अब बिल्कुल निशान से मिला करके हमें इसमें फिर पेन से हमें निशान लगाना है, इसमें अंदर और बाहर इसमें चारों साइड से निशान लगा लेंगे हम बहुत बढ़िया तरीका से। देखिए ऐसे ही निशान आप भी लगाएंगे, ये निशान हमारा लग चुका है। अब हम ड्रिल से इसको सुराग कर लेंगे, तो देखिए हमारा ये ड्रिल से सुराग भी हो चुका है। अब वैसे ही जैसे दरवाजे में हमने गलाया था लॉक को, तो इस पत्ती को भी हमें चौकट में
गलाना है ताकि वो भी बराबर हो जाए। तो इसे चौरसी के मदद से हम गला लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर इसमें आपको पूरा ए टू जेड जानकारी मिल रही है। तो कहीं भी हमें कुछ अगर जानना है तो थोड़ा समय हम देंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, कुछ जान पाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आप बिल्कुल देख करके ऐसे ही आप लॉक लगाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखिए अब हमने इसको गला लिया है। अब हम पत्ती को इसमें रख करके और फिर एक बार निशान लगाएंगे इसमें सुराग करने के लिए, क्योंकि साल का चौकट हार्ड होता है तो इसमें ऐसे पेच लगाएंगे तो टूट जाने का डर होता है। तो इसीलिए हम इसमें सुराग कर लेंगे पहले ही। तो हमारा ये देख रहे हैं आप, ये सुराग हो चुका है। अब इसको रख के हम और इसमें स्क्रू से टाइट कर देंगे। ये देखिए एक हो चुका है और दूसरा स्क्रू भी हम लगा रहे हैं। देखिए हमारा स्क्रू लग चुका है, कितना बढ़िया दिख रहा है आप देख रहे हैं। अब हम लॉक करके देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया लॉक हो रहा है और थोड़ा सा भी पल्ले नहीं है इसमें। इसमें हमें अंदर से तो हमने देख लिया और बाहर से भी देखते हैं चाबी लगा करके कि चाबी से हमारा लॉक कैसा हो रहा है, पल्ले हो रहा है कि पल्ले नहीं हो रहा है। हमें पल्ले बिल्कुल ही नहीं चाहिए। देखिए हम चाबी से इसको लॉक कर दिए हैं। अब देखिए इसमें पल्ले बिल्कुल नहीं है। लॉक लगाने का मतलब यही है कि इसमें पल्ले थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।